नगर परिषद में जब हम एक साल डेढ़ साल पहले आए, तो नगर परिषद को देखने के बाद, नगर परिषद में भवन में प्रवेश करने के बाद आम जनता के मस्तिष्क में हमेशा रहता था कि नगर परिषद एक बीमारू संस्था है, इसका कोई इमेज नहीं था। आप स्वयं अभी घूम करके देख लें नगर परिषद के चारों ओर, वो सभागार हो, वो बिल्डिंग हो, उसमें स्टाफ का काम करने की क्षमता हो, प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट हो, प्रोडक्शन हो, जनता की समस्या को सुनने की क्षमता हो, उस सब में लगातार वृद्धि हुई है। अभी आपने जो कहा कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है कि जब जनहित में आप काम करेंगे तो जनता के हितों को ध्यान में रखेंगे। लेकिन कुछ लोग की जो आपने बातें रखी हो, कुछ लोग पार्षद हैं, हो सकता है कि वो अपनी मांगों को या अपने कार्यों को बेहतर ढंग से हमारे समक्ष नहीं प्रस्तुत कर पाए हों, और हमने तो जो भी काम किया है जनहित में काम किया है, और जनहित में काम करना ही मेरा लक्ष्य है, और जनता के तरफ से हमारा कोई विरोध नहीं है। कुछ चुनिंदा पार्षद जो विरोधी हैं या विरोधी विचारधारा में जिंदा रहते हैं, जिनको दिन भी रात लगता है, उनकी नज़र में हमारा काम सुचारू नहीं लगता, चूँकि वो एक लंबे समय तक कोई काम न करने में सक्षम रहे न करवाने में सक्षम रहे। उन पार्षदों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पार्षदों के लिए मेरा एक स्पष्ट संदेश है कि आपका जो काम हो उसका चुनाव जनहित को देख करके, आपके हित को ध्यान में नहीं रखा जाए, अपने हित को दरकिनार करके जनहित में आप आगे बढ़ें, सदैव आपके साथ रहें। आगामी नगर परिषद के चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? देखिए, मैं तो 10 साल उपाध्यक्ष रहा, अभी अध्यक्ष के दायित्व में हूँ, पार्षदों ने मुझ पर भरोसा किया है, तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मेरे अल्प अवधि में मैंने जितने भी काम किए हैं और उपाध्यक्ष के रहते जो भी जनता की समस्याओं को हम लोगों ने नज़दीक से देखा और उसके समाधान पर जो कार्य किए, इसी काम को लेकर के हम जाएंगे। आपको हम बता दें, एक लंबी फहरिस्त है हमारे इस अल्पकालीन अध्यक्षीय कार्यकाल का, उसमें आप नगर परिषद में आज तक 151 वर्ष हो गया स्थापना की 1870 से, कोई लोगो नहीं था, इसका कोई प्रतीक चिन्ह नहीं था। अभी आप देख रहे होंगे, आए होंगे, तो मेरे टॉप पर एक प्रतीक चिन्ह है जिसे बाबा उमानाथ हैं, सफाई हमारा मूल केंद्र में है, सलमान दरगाह है, NTPC है, दाल मिल है, गुरुद्वारा है, जो हमारा धार्मिक सरोकार है नगर परिषद का, सबको समाहित करते हुए और बीच में हम लोगों ने केंद्रित किया है सफाई को, और लाई हमारा जो प्रसिद्ध यहाँ की मिठाई है उसको भी बॉर्डर पर रखा है, तो एक जो सर्वसम्मति से हम लोगों ने लोगो बनाया और विधिवत उसको अनुमोदन करके माननीय मंत्री माननीय सांसद महोदय के कर कमों से हम लोगों ने उसको लोकार्पित कराया। आप चले आइए सफाई व्यवस्था में, आज तक कभी रात्रि में सफाई नहीं होती थी, मेरे कार्यकाल में रात्रि में व्यापारिक स्तर में सफाई होने लगी, तो बहुत सारे काम आपको कितना काम गिनाए, करीब करीब लाइटिंग रिपेयरिंग का काम है, 50 से अधिक रोड नाला में काम लगा हुआ है, गैलेंट्री गेट बन रहा है, साइनेज बोर्ड बना है, और सबसे बेहतरीन काम जो आम आदमी के सुविधा के लिए है वो है ऑनलाइन टैक्सेशन की व्यवस्था। हमने एक वेबसाइट बनाया, एक सिटीजन ऐप पे अभी काम चल रहा है, और उसको हम लोगों ने पेमेंट गेटवे से जोड़ा है, घर बैठे आप ऑनलाइन अपनी प्रॉपर्टी का, अपने होल्डिंग टैक्स का भुगतान कर सकते हैं, चाहे आप पेपोन से करना चाहते हो, पेटीएम से करना चाहते हो, या बैंक किसी भी ऐप से करना चाहते हो, आपका ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटी आपको विद इन वीक कि हम लोगों को लोकार्पित कर दिए हैं, और उस पर हमारा ड्यूज लिस्ट चल रहा है और बहुत ही युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, तो एक सप्ताह के अंदर पूरे 27 वार्ड में अपने घर से, अपने मोबाइल से, अपने बैंक से आप हमारे अकाउंट में अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकते हैं, मोटेशन आप अप्लाई कर सकते हैं, नक्शा अप्लाई कर सकते हैं, डेथ बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं, उसमें पब्लिक ग्रीवांस से लेकर रखा गया, यानी कि जनता की जो समस्या है, सफाई की समस्या है, जल जमाव की समस्या है, आप हमारे पब्लिक ग्रीवांस पे डालिए और 2 दिनों के अंदर 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर उसका समाधान हम लोग निकालेंगे,
ये सारे आश्वासन हैं। आप स्मारिका कभी नहीं बना था, हम लोगों ने अपने पूर्वजों को याद किया है। आप बोर्ड देख रहे होंगे 1870 से खान बहादुर हसन खान साहब से लेकर के और हमारे तक का ये एक लंबा फेरिस्त है, इसको हम लोगों ने सूचीबद्ध किया, एक स्मारिका बनाया। कि और एक जो महत्वपूर्ण काम हम लोग कर रहे हैं और हो सकता है कि मैं अपने कार्यकाल में उसको कर पाऊँ, सफाई व्यवस्था को भी हम लोग QR कोडिंग करना चाहते हैं। हर एक दरवाजे पर एक QR कोड रहेगा, उस वहाँ हमारा सुपरवाइजर जाएगा, डोर टू डोर का गार्बेज कलेक्शन करेगा, वहाँ स्कैन करेगा और हमारे मॉनिटर पे आ जाएगा। CCTV का स्थापना हो गया पूरे शहर में, 40 कैमरे लग गए, इसका कंट्रोलिंग अपराधिक को रोकने के लिए हमने एक थाने में दिया है और एक हम लोग अभी नगर परिषद में उसका एक पैरेलल स्क्रीन लगा रहे हैं। तो कितना काम किया है, लगभग 20 काम तो अभी अभी हमने सूचीबद्ध किया है इसको। IT सेल प्रॉपर बना दिया, हर एक गाड़ी पर आपको CCTV कैमरा लग रहा है Wi-Fi से कनेक्टेड, और जितने भी काम हैं उसमें हम लोग एक बेहतरीन अवसर जनता के समक्ष रखना चाहते हैं, रखने का प्रयास कर रहे हैं, एक बेहतरीन बाढ़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, सुसज्जित और कह सकते हैं प्लांड सिटी। हालांकि प्लांट का बहुत मायने रखता है, लेकिन एक बेहतरीन नगर हम लोग बनाना चाहते हैं और इसी सब मांगों को लेकर के हम जनता के बीच फिर जाएंगे, जनता का आशीर्वाद लेंगे, काम की मजदूरी मांगेंगे। धन्यवाद।